हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अभी वैक्सीन ले रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। आपका ऑपरेशन हुआ तो डर नहीं लगा आपको? नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है और मैं चाहता हूं कि लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आए ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण हो और परीक्षण होने के बाद जो इनकी कार्रवाइयां हैं करने के बाद, क्योंकि आईसीएमआर भी इन कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक के, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये लोगों के लिए मार्केट में आ सके और लोगों को थर्ड फेज है। सर्जरी से जा चुके थे तो डॉक्टर्स की क्लीयरेंस मिल गई? नहीं, बिल्कुल क्लीयरेंस ले ली है, ऐसी कोई मेरे को बीमारी नहीं है जो इसमें इंटरेस्ट पैदा करती हो। लेकिन ये थर्ड फेज है, आप इसे कितनी अचीवमेंट मानते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि अभी से मानते हैं? अभी तो आज ये शुरू हो रहा है, ये थर्ड फेज है और ये फाइनल फेज है। अगर इसके एनालिसिस जो बात किए जाएंगे और जो इसको चेक किया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक जाता है तो आप समझिए कि ये अगले साल के शुरुआत में ही ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। तो एक बहुत बड़ी खबर यहाँ से आ रही है, डॉक्टर अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के, अभी वैक्सीन लेकर वैक्सीन लगवाने के, वैक्सीन थर्ड फेज का भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल है, वो वैक्सीन का ट्रायल का उसमें हिस्सेदारी करके बाहर निकले और संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक बड़ा संदेश भी है कि इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो, इसके लिए बड़ी तादाद में लोग सामने आए। ट्रायल थर्ड फेज का है, थर्ड फेज के ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद ही वैक्सीन फोर्थ फेज के ट्रायल में प्रवेश करेगी और फोर्थ फेज में क्वालिटी कंट्रोल के अलावा प्रोडक्शन भी शुरू होता है।